नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। अगर चीन और ताइवान के बीच जो तनाव है, अगर वो जंग का रूप लेता है तो ये एक तरफा लड़ाई नहीं होने वाली है, ये तो साफ है। लेकिन ताइवान के पास भले ही चीन के बराबर के हथियार और सेना ना हो, लेकिन उसकी रणनीति उसका सबसे बड़ा हथियार है। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको जो ताइवान की सरप्राइज मिसाइल अटैक रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, जिसे वो अपने विस्तारवादी नीति के हिसाब से अपना हिस्सा मानता है, और चीन जहां जहां पहले जो चीन का प्रशासन था उसके हिस्से थे, चीन उसको भी अपना जो है हजारों साल पहले जहां पर चीन का राज था उसे भी आज की तारीख में अपना हिस्सा मानता है। और दोस्तों, 2050 तक चीन ने जो अपना प्लान बना रखा है कि वो ताइवान को अपने हिस्से में मिला लेगा, तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ी गलती होने वाली है अगर चीन ताइवान पर उसे एक छोटा देश समझकर हमला करता है। और दोस्तों, अगर ताइवान युद्ध में चीन को पेंगु टापू पर रोक दे, तो वहां पर उसे अमेरिका के 3 भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर की सपोर्ट मिल जाएगी, और ना ही जो ताइवान है उसे सपोर्ट मिलेगी, बल्कि वो हमले को रोकने में कामयाब भी होगा, और बल्कि चीन पर उल्टा हमला बोल देगा, क्योंकि चीन का ये दाव बिल्कुल उल्टा पड़ने वाला है। और दोस्तों, ताइवान के पास ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं जो पेचिंग और शंघाई को तबाह कर सकती हैं। साथ ही ताइवान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जी हाँ दोस्तों, एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अपने क्षेत्रफल से ज्यादा मिसाइलें हैं। और दोस्तों, ताइवान भले ही साफ कर चुका है कि युद्ध में वो चीन को अपनी राजधानी भी बचानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों चीन के जो ग्लोबल टाइम्स है उसने कुछ दिनों पहले एक दावा किया था कि अगर चीन और ताइवान में युद्ध होता है तो चीन 2 से 3 घंटों में आसानी से पूरे ताइवान को कब्जा लेगा। लेकिन दोस्तों, उसका इतना करारा जवाब जो ताइवान के अखबार हैं उन्होंने और सरकार ने दिया, उन्होंने सीधा कहा चीन को अगर युद्ध हुआ तो उनको अपनी राजधानी बचानी मौत हो जाएगी। और दोस्तों, ताइवान की रणनीति यह है कि दुश्मन पर अचानक हजारों मिसाइलों से वार करना है, ये ताइवान ने साफ कर दिया है, ताकि जो चीन की जो सेना है उस पर ताइवान पर जिस टाइम वे चढ़ाई करेंगे यानी कि युद्ध में आगे आएंगे, तो जो ताइवान है वो हजारों मिसाइलों से हमला करके सरप्राइज अटैक कर जो चीनी सेना है उनकी कब्रगाह वहीं पर गाड़ देगा। और दोस्तों, ताइवान के जखीरे में स्ट्रिंगर, चैपलर, पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम और टेन चैन और टेन कोंग और जेवलिन और हेलफायर टॉव और हार्पून जैसी खतरनाक मिसाइलें हैं। और दोस्तों, जो ताइवान का जो मिसाइल जखीरा है वो चीन के मिसाइल जखीरे से बहुत बेहतर है, बल्कि ज़्यादा खतरनाक भी है। और दोस्तों, ताइवान को आज की तारीख में पूरी दुनिया का सपोर्ट है, जहां पर उसे अमेरिकी नेवी और जापान का, ऑस्ट्रेलिया का और भारत का तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और उसके लिए अच्छी बात तो ये है कि उसे भारत का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि भारत पहले ताइवान को इतना अच्छा खासा सपोर्ट नहीं दिखाता था, जबकि जब से 2014 के बाद भारत में सरकार बदली है अब जाकर वे भी चीन जो ताइवान को सपोर्ट दिखाने लगे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।